And BJP's face in Delhi, former IPS officer Kiran Bedi, is expected to hit the ground running. Sources say she will be addressing 70 rallies, one in each constituency, starting from the 20th of this month. Sources in the BJP say Kiran Bedi will be addressing 5 rallies a day, every day, starting from the 20th. Meanwhile, party president Amit Shah today hit the campaign trail with a rally in Delhi's Harinagar. This after his meetings with Panna Pramukhs at Pushp Vihar was cancelled due to lack of election commission's clearance. In his rally, Amit Shah hit out at the Aam Aadmi Party, claiming that he will expose party chief Arvind Kejriwal. मैं श्रीमान केजरीवाल के बारे में यहां कोई बात करना नहीं आप चाहता. जब आपकी सभा में आऊंगा ना, तब उनको पूरे के पूरा उनका कच्चा चिट्ठा लोगों के सामने रखूंगा. मगर मैं अभी मेरा समय केजरीवाल को बिगाड़ना नहीं चाहता. मित्रों, जिस आदमी को, जिस पार्टी को, जिस आदमी और जिस पार्टी को हर रोज एक झूठ बोलने की आदत हो, वो आदमी या वो पार्टी हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकता. कांग्रेस पार्टी एक जमाने में देश की पंचायत से लेकर पार्लियामेंट की पूरी व्यवस्था उनके हाथ में थी, किया नहीं जी? और आज उनको लाले पड़े हैं संसद में विपक्ष के नेता चुनवाने के. नेता पॉलिटिक्स में पड़ गए, अंदरूनी झगड़ों में पड़ गए, संगठन समाप्त हो गया, नया ब्लड आना बंद हो गया. धीरे धीरे 67 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई. एमसीडी इनसे बातचीत करनी जरूरी थी, क्योंकि ये बुनियाद है. इनसे सुना, अपनी बात कही, दोनों ने बात एक दूसरे की सुनी और स्वच्छ अभियान में लगे हुए हैं. कल जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान कितनी हफ्ते से है, उसको उस अभियान को कैसे चला रहे हैं, और भी स्टूडेंट्स को और इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं, और आइडियाज एक दूसरे ने बांटे, गुड प्रैक्टिसेस एक दूसरे की बांटी, कौन नॉर्थ में क्या कर रहा है, साउथ में क्या कर रहा है, ईस्ट में क्या कर रहा है, वो सुना और सिखाया.